नमो नारायणा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मिस्टिकल हिडन पावर इनसाइड यू। हर एक ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सारी मिस्टिकल पावर्स होती है, सिर्फ जरूरत होती है उन्हें सही प्रोसेस से विद द राइट एंड ट्रू पाथ, एक सही तरीके से, एक सही स्पिरिचुअल जर्नी के साथ उनको एक्टिव करने की, उनको समझने की और उनके साथ काम करने की। हर एक ह्यूमन बींग्स में ऐसी बहुत सारी पावर्स होती है, आपके भी अंदर ऐसी बहुत सारी पावर्स है, लेकिन ज़रूरत है उन्हें समझने की। आज इस वीडियो में हम एक एक करके उन पावर्स के बारे में और मेजर 5 पावर्स जो हम बहुत आसानी से अपने वैदिक कल्चर में और यूरोपियन वेस्टर्न कल्चर से बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स लेके हम उन्हें डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी फर्स्ट मैजिकल पावर, फर्स्ट मिरेकुलस पावर विच इनसाइड अस, जो हमारे अंदर छुपी है। पहली पावर है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि यानी हम जब अपनी ओपन आईज से फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर के वो इवेंट्स देखते हैं जो हमारी लाइफ में आने वाले हैं और साथ ही साथ हमारे आसपास के लोगों के जीवन में, उनकी लाइफ में आने वाले हैं, उन सभी इवेंट्स को जब हम देख पाते हैं, डिकोड कर पाते हैं, तब हम इस दिव्य दृष्टि को यूज़ करते हैं और हम इस पावर को, जो पावर हमारे अंदर है, जैसे हमने बहुत सारे अपने ऋषि मुनियों के और महाभारत में संजय के उससे देखा है कि जैसे संजय कौरवों के युद्ध को, कुरुक्षेत्र के युद्ध को पूरी तरीके से देख के डिस्क्राइब करते थे, उसी तरीके से हम भी, ऐसे आपको भी बहुत सारे लोग दिखते होंगे जो फ्यूचर के इवेंट देख पाते हैं, लेकिन कई बार वो उसको डेवलप नहीं कर पाते, वहाँ वो टैक्टिक नहीं समझ पाते, बहुत सारी टैक्टिक्स पे काम नहीं कर पाते। हमारे स्पिरिचुअल पाथ में ऐसे बहुत सारे टैक्टिक्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी उन पावर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पावर को, अपनी फ्यूचर सीइंग एबिलिटी को एक्टिव कर लेते हैं अपनी थर्ड आई के थ्रू, अपने इंट्यूशन पावर के थ्रू, अपने साइकिक पावर के थ्रू, तब हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। ज़्यादातर जनरल वे में ये कहना और सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, लोग बहुत लंबे प्रोसेसेस पे जाते हैं, लेकिन नहीं, इसके लिए बहुत सारे छोटे और आसान प्रोसेस भी हैं जो बहुत ही पावरफुल है, ज़रूरत है सिर्फ उन्हें समझने की। हमारे वेदों में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, हमारी गीता में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, हमारे पुराणों में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर की अलग अलग किताबों में अलग अलग कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते हो तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम, जिससे हम आसानी से ये सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। हमें सिर्फ उस स्पिरिचुअल पाथ पे चल के उन कॉन्सेप्ट को समझना है। अब हम जो सेकंड पावर की बात कर रहे हैं, वो सेकंड पावर है ऊर्जा कवच। ऊर्जा कवच हमारे आसपास आज के समय में हम सब देख रहे हैं कितना निगेटिविटी, कितनी बुरी दृष्टि या इवेल आइज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास है। आज के दौर में BM जैसा, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, लोग एक दूसरे पे जरा जरा सी बात पे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए इस तरह की भावना लेके बैठे हैं जिसकी वजह से कई बार हमारे अपनी लाइफ, अपना जीवन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो इन सारी निगेटिविटी, इन सारे दुष्प्रभावों से बचना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर ऑलरेडी एक ऐसी पावर है जिसको हम ऊर्जा कवचम कहते हैं, जहां हम एक ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर सकते हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ से, अपने स्पिरिचुअल बिलीफ से, अपने अंदर के आध्यात्मिक बिलीफ से, अपने डिवाइन पावर में पूरी तरह से लीन होके, समर्पित होके, जिससे
कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी निगेटिविटी हमें छू नहीं सकती। और अगर हम करंट लाइफ में उसको फेस कर रहे हैं तो भी हम उसका बचाव कर सकेंगे। और इस पावर को हम एक्टिवेट करने के बाद, इस ऊर्जा कवच को एक्टिवेट करने के बाद हम अपनी पावर को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में लेके चले जाएंगे कि कोई भी प्रकार की निगेटिविटी हमें छू नहीं सकती। इसके बाद जो तीसरी पावर आती है वो है ब्रह्मज्ञान। ब्रह्मज्ञान यानी सिर्फ वो नहीं जहां हम आध्यात्मिक तौर पे मजबूत हो जाते हैं, एक वो ज्ञान जहां हम व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों तौर पे मजबूती के साथ अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। हमारी लाइफ में अगर हम एक बिजनेस ओनर है, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो कई बार हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जिनकी वजह और हमारे बहुत सारे एफर्ट्स, हमारे बहुत सारे प्रयास काम नहीं कर पाते जब हमारे कई बार डिसीजन सही नहीं होते, हम चीज़ों को समझ के नहीं कर पाते और हम उनके आने वाले रिजल्ट्स को समझ नहीं पाते। आने वाले उनके वजह से क्या आएगा, क्या उनकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे हमारे साथ और हमारे लोगों के साथ, हम उसको नहीं समझ पाते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे डिसीजंस फेल हो जाते हैं। जब हम इन डिसीजंस को अच्छे से लेना सीख जाते हैं, उन चीज़ों को समझना सीख जाते हैं, एनालाइज करना सीख जाते हैं और साथ ही साथ स्पिरिचुअल पाथ से कनेक्ट होके, स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट होते, उस डिवाइन पावर से कनेक्ट होके इन सारी चीज़ों को कर पाते हैं, तब कहीं ना कहीं हम एक ब्रह्म ज्ञान की ओर अपना एक कदम बढ़ाते हैं। हमारी चौथी पावर जिसको हम बहुत ज़्यादा आज के समय में हमें ज़रूरत है, वो है समृद्धि, जो हमारे अंदर ऑलरेडी है। सिर्फ हमें समझना है, एक रियल अबंडेंस को समझना है और अपनी लाइफ में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं उनको सॉल्व करना है, और ताकि हमारी लाइफ में एक मनी का फ्लो और एक बेसिक ज़रूरतों का फ्लो रेगुलर बना रहे और हम उनकी वजह से परेशान ना हो और उनकी वजह से हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन ना आए। ऐसे बहुत सारे आपके साथ भी होते होंगे, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हमारी लाइफ में आते हैं जब हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कई बार बहुत फाइनेंशियल सिचुएशन से या और किसी कंडीशन की वजह से, उसकी वजह से हम कई बार बहुत सारी चीज़ों को ना मिल पाने, ना पा पाने की वजह से लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि समृद्धि की जो पावर है वो सिर्फ वो पावर है जहां हम पैसे को खींच रहे हैं, वो पावर है जहां हम अपने घर में सुख समृद्धि, अपने आसपास एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा जीवन, एक अच्छा सुखमय परिवार बना पाएंगे और अपने आसपास उन चीज़ों को बहुत पावरफुल तरीके से ला पाएंगे। ये एक ऐसी पावर है जो हम सबको अपनी एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, हम सबको उन टेक्निक्स पे काम करके उन चीज़ों को और बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हमारी लाइफ में आने वाली ये छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ये छोटे मोटे दुख हमारे सुख में कन्वर्ट हो जाएं और हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को अच्छी वजह से व्यतीत कर पाए। इसके बाद हम जिस पांचवी पावर की बात करते हैं वो पांचवी पावर है समय भेदन। एक ऐसी पावर जहां पे हम उस पिछले ऐसे टाइम ट्रेवल की तरह हम, तो आप आसानी से एस्ट्रल ट्रेवल जैसी चीजें कर सकते हो। आप उस असीमित ब्रह्मांड में जाके अपनी उस ऊर्जा को रिस्टोर कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि किस वजह से आपके जीवन में ये दिक्कतें आ रही आज की करंट लाइफ में, और आप ऐसा ही इस सारी ये पांचों पावर्स को यूज करके, इसी तरीके से हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी पावर्स हैं जिसमें से हमने टोटल 21 पावर्स को निकाला है और ये कि ये पहली बार आपके सामने पिछले 10 से 15 सालों की मेहनत के बाद आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज मेरे पास ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिससे ये सारी पावर डेवलप हो सकती है। बहुत सारे प्रूफ के बाद, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बाद, ऐसे बहुत सारी टेक्निक को डेवलप करने के बाद आज हम इन पावर्स को आसानी से अपने अंदर और दूसरों के अंदर आसानी से डेवलप कर सकते हैं।
हम आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ बात करेंगे कि आप इन्हें कैसे कर सकते हो और कैसे आसानी से आप इन पावर्स के साथ और इनके अलावा और जो पावर्स है वो कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, आप उन सभी पे काम कर सकते हो और आसानी से इन्हें डेवलप कर सकते हो। तो फिर अगली वीडियो का वेट करें, अगली वीडियो के लिए थोड़ा सा समय दें और उस वीडियो को भी और इस वीडियो को भी अंत तक देखें और जितना हो सके शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओम शांति।